जीरा आलू सुनने में तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन आज हम उसमें कुछ ऐसे फ्लेवर्स डालेंगे जिससे हमारी सब्जी में चार चांद लग जाएंगे, और मोर ओवर कुछ ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमारी सब्जी का जो टेक्सचर है डिट्टो सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि ढाबे स्टाइल या रेस्टोरेंट में मिलता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज आपके कुछ टिप्स मिस हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पुदीना जीरा आलू बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे पहले 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, इससे जो है टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स जीरा आलू हो या पुदीना जीरा आलू हो, बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशंस होते हैं हर किसी के बनाने का। कोई जीरा आलू मतलब सिर्फ नमक मिर्च डाल के बनाता है, कोई सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के बनाता है, लेकिन आज हम बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें लेके आएंगे और बहुत ही आसान है। और मोर ओवर पीजीज जो है, जो अकेले बच्चे रहते हैं या जो हस्बैंड्स कई बार अकेले होते हैं, तो कोई भी बना सकता है, बहुत ही झटपट से बन जाती है और मोर ओवर खाने में बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले ये ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। और फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टिप्स में बताने वाली हूँ जो जीरा आलू है हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब जैसे ही हमारा सरसों का तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें क्या करूंगी, ये है मेरे बॉइल्ड पोटैटो। ठीक है, ये मैंने थोड़े से बड़े ही काटे हैं, क्योंकि बहुत छोटे काटेंगे ये मैश हो जाते हैं, मतलब ये क्रश हो जाते हैं, तो थोड़े से बड़े ही पीसेस लिए हैं। इसको पहले हम बहुत ध्यान से, ये देखो मेरे भी छीक पड़ गई, ध्यान से पहले हम इसको सौटे करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा हम करछी नहीं मारेंगे, बिकॉज आलू जो है हमारे टूट जाएंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑयल में मसाले डाले और बॉइल्ड आलू डाले, फटाफट से 2 मिनट सौटे करा और बन गए, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। आलू जो है बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, कोशिश करिएगा जब भी हम आलू को इस तरह सौटे करें तो करछी कम हिलाइएगा, बेटर आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज करिएगा, इस तरह से इसको हिलाइएगा ताकि आलू जो है ऊपर नीचे अच्छे से हो सके। अब आलू को हमने लाइट ब्राउन होने तक सौटे करना है, इस तरह से आलू हमारा टूटेगा भी नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, आलू जो है हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बाउल में गैस को सिम करके ये सारे आलू ध्यान से, ताकि ये टूटे नहीं, सारे आलुओं को हम निकाल देंगे बहुत आराम से। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि आलू जो है हमारे खड़े खड़े हो गए, ये देखिए इस तरह से। ये सब्जी इस तरह बनाओगे ना तो आलू आपके बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे। नॉर्मली आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा ना, जब भी आप जीरा आलू मंगाते हो या ढाबे पे, आलू कैसे उनके खड़े खड़े रहते हैं, वो इसीलिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ये सारे आलुओं को हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून ऑयल हम और डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल हमारा आलू पे लग चुका है। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी कुछ फ्लेवर्स हमारे जीरा आलू में देने के लिए। थोड़ी सी हींग बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी हरी मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, 1 चम्मच जीरा, लो जी, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, छोटे या बड़े आप कोई भी डाल सकते हो। इसको हल्का सा हम सौटे करेंगे। जैसे ही ये जीरा हमारा भून जाएगा फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने आलू को सौटे करा था वो सारे आलू इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। ये देखो, ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। अब फटाफट से डाल देंगे अपने सारे मसाले, गैस का फ्लेम स्लो ही रखना, अदरवाइज सारे मसाले जो है हमारे जल जाएंगे। तो इसमें डालूंगी 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, आप चाहे तो मोटे वाला जो धनिया होता है उसको कूट कर भी डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, वो भी कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो, थोड़ा सा नमक अराउंड 1 टीस्पून, और थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा देने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी जीरे का पाउडर, ये मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया था फ्रेंड्स, वो मैंने डाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी देगी मिर्च, थोड़ा सा कलर देने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि जो हमारे आलू हैं बहुत ज्यादा चटपटे हो जाएं। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई पुदीना। ये देखिए, जो मैंने पीछे भी सिखाया था ना आपको मिंट वाला रायता, ये मैंने उसमें भी डाला था, ये वही सूखा हुआ पुदीना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे जीरा आलू में।
अब इसको फटाफट से करेंगे मिक्स। ओहो, इतनी अच्छी खुशबू हो गई ना फ्रेंड्स किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। अब झटपट से हमारे रेडी होने वाले हैं पुदीना जीरा आलू। कितना बढ़िया कलर आया। इसको चाहे तो नमक मिर्च के परांठे के साथ खाओ, ब्रेड के साथ खाओ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट डलता है फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ये बहुत ही बढ़िया हमारे आलूओं को टेस्ट देगा। जितने भी रेस्टोरेंट वाले होटल वाले एंड में यही डालते हैं। और एंड में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून देसी घी। इससे जो आलू में टेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको ढक के रख देते हैं 1 मिनट तक, और बाद में खाएंगे इसको गर्मा गर्म किसी भी परांठे के साथ, और रखेंगे इसको स्लो गैस पे। 1 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी हमारे चटपटे पुदीने वाले आलू कैसे हुए। ओहो, क्या फ्रेग्रेंस आ रही है फ्रेंड्स। ओहो, अब करते हैं इसकी फटाफट से प्लेटिंग। तो रेडी है जी हमारे गर्मा गर्म पुदीने वाले आलू। कितने टेम्पटिंग लग रहे ना। तो अब आप इसको किसी के साथ भी खाओ, और इसके साथ परांठा हो और जीरे वाले पुदीने वाले आलू हो और साथ में रायता हो, क्या कहने फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।